हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल की। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि इसमें रिकॉर्ड अगर इंसर्ट कराने हो तो वो भी बड़ी आसानी के साथ इंसर्ट कराया जा सकता है। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि अगर मान लीजिए कि इनमें से किसी एक को ड्रॉप कराना पड़े, यानी हटाना पड़े, ठीक है, तो वो हटाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो ये 5 है इसको हटा दिया जाए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहां पे नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसके लिए एसक्यूएल कमांड लिखना होगा। तो पहले तो इसको मैं क्लोज करता हूं, ये क्लोज करके यहां से क्रिएट पे चलेंगे। क्रिएट पे चलने के बाद यहां पर आपको नीचे जो है क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और क्वेरी डिजाइन पे जाकर के सीधा एसक्यूएल पे क्लिक करना है। अब यहां पर क्या लिखना है, कमांड किस तरीके से चलाएंगे, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ड्रॉप तो आपको नहीं चलाना है, आपको करना क्या है, यहाँ पे डिलीट चलाना है। तो यहाँ पे लिखिए DELETE, तो ये हो गया डिलीट। और कहाँ से डिलीट कर रहे हैं, तो टेबल का नाम है, क्या नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर नाम से टेबल बनी हुई है, तो DOCTOR डॉक्टर यहाँ लिख दिया। और डॉक्टर लिख करके फिर क्या करना है आपको, डॉक्टर लिख करके यहाँ पे वेयर चलाना है, वेयर लिखना है यहाँ पे वेयर। अब यहाँ पर समस्या ये है कि हम किसको डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ DEPT पहले डिपार्टमेंट, तो फिर उसी तरीके से आप सब में कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या है हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक है, ये जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस जिनको है इनका डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक। तो आप यहाँ पे सिंगल डॉट कॉमा के अंदर ऑर्थोपेडिक लिख दीजिए, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ लिखिए ऑर्थोपेडिक, ORTHOPEDIC, ये हो गया ऑर्थोपेडिक। और ऑर्थोपेडिक लिख करके यहाँ से टर्मिनेशन दे दीजिए, और टर्मिनेशन दे करके अब इसको चलाने की बारी है। तो यहाँ से अब इसको चला देते हैं, तो यहाँ क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से रन करवाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ आ गया है, यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो, ठीक है, यानी कि 1 रो ये डिलीट कर रहा है। तो यहाँ से अगर इसको मैं यस कर देता हूँ, देन इसको ओपन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से 1 रो आपको गायब मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, ये पूरी की पूरी रो गायब हो जाती है इसमें, ठीक है।